हैं वो फिर वापस से आरआर के फेवर में जाना चाहिए, और वही हुआ आरसीबी और आरआर के मैच के अंदर। आरसीबी जहां पे 172 रन का लक्ष्य देने में कामयाब होती है, जवाब में आरआर की टीम ने 174 रन बना दिए मात्र 19 ओवरों के अंदर। अभी भी ऑरेंज कैप कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास हैं, और इसके बाद आरआर के पास दो मैच बचते हैं या फिर एक मैच बचता है, ये बात करेंगे हम पूरी। लेकिन केकेआर के पास भी अभी एक मैच बचता है, और किसी भी एक टीम के पास अब दो मैच बचते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑरेंज कैप का क्या कोई धनी और हो जाएगा, या फिर विराट कोहली वो इतना गैप दे चुके हैं। बिकॉज अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि गायकवाड़ एक ऐसे जो सीएसके के प्लेयर थे वो कुछ 50-60 रन पीछे थे, बाकी लगभग 100 अब वो ही पीछे हैं इनसे। तो ये एक अलग बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आरसीबी अब वापस से पहले सेशन के अंदर जो उनका फॉर्म था, जो उन्होंने रिलीज करा था, वो सारी की सारी फॉर्म अब वापस आ चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या वो फाइनल उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले 8 मैचों के अंदर, पहले 7 मैचों के अंदर बात कर सकते हैं, क्योंकि पहला राउंड ही वो था जिसमें 6 मैच उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने जीते थे। उसके बाद अगर बात करें 7 मैचों और की, तो उन 7 मैचों के अंदर उन्होंने मात्र 2 मैच जीते थे, यानी कि 5 मैच उन्होंने गवाए थे। कुल मिलाकर उनके 16 अंक हुए थे, और दूसरी ओर कुछ 5 मैच नहीं गवाए थे, सॉरी 12 अंक उनके 7 में से हो गए थे, और 2 मैच उन्होंने लास्ट के 7ों में से जीते थे, और 2 रद्द भी हुए थे, वो एक अलग बात है। 4-3 मैच तो उन्होंने गवाए गवाए थे, जीत का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा कम हो गया था उनका। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दूसरे सेशन के अंदर सिर्फ 1 मैच गवाया था, बाकी सारे के सारे जीते थे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फाइनली अब यहाँ पे आरसीबी को, जो कि दूसरे राउंड की सबसे टॉपेस्ट टीम थी, उसको हराकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देखिए वो वापसी कर चुके हैं। फाइनली वो ऐसा भी है कि पूरे सानो सोकत से सामने आने वाले हैं, वो पूरे रिदम के साथ आपको हराने वाले हैं ये सारी चीज़ें। और यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी खबर देता है, अगर कोई राजस्थान का फैंस है तो। और संजू सैमसंग भी अब की बार ठीक ही ठाक ही कर रहे हैं प्रदर्शन, कुछ में 50 भी लगाई है, 100 के पास गए हैं, 100 नहीं लगा पाए वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक प्रदर्शन है उनका, बुरा नहीं कह सकते। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों यशस्वी का, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है दूसरी ओर, वो अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये टोटल बात अगर मिलाकर हम माने तो कहीं ना कहीं आरसीबी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और वो हो सकता है कि इस आईपीएल सीज़न के अंदर अपना रुतबा बिखेरे, अपने रुतबे के दम पर वो ट्रॉफी जीते। अगर ऐसा होता है कि वो ट्रॉफी जीतता है तो ये उनके लिए दूसरी ट्रॉफी हो जाएगी, अगर केकेआर जीतता है तो उनके लिए वो तीसरी ट्रॉफी हो जाएगी, और एसआरएच जीतता है तो वो भी उनके लिए पहली ट्रॉफी होगी। बिकॉज वैसे तो सभी न्यू ही मानो, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर बात करें, नया आईपीएल का नया खिताब लेने वाला भी कोई बना है क्या, वो भी एक अलग बात है। लेकिन वैसे देखा जाए तो न्यू है नहीं, क्योंकि किसी ने ट्रॉफी जीतना दिखाया सिखाया था तो वो आरआर थी, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।